Assalamualaikum, welcome back to adnanchoti.com. My name is Bharat Naqvi and my course name is Basic Training in C. अब तक मैंने आपको कोर्स में बता दिया इंस्टॉल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या, उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसकी इंस्टॉल उसके लिए इन्वायरमेंट की इंस्टॉलेशन करवाई, फिर मैंने उस पर आपको फंडामेंटल सी के बारे में बताया, सी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताए, फिर मैंने आपको रन प्रोग्राम रन करना सिखाया. अब जो है मैं आपको एक और नई चीज़ बताने लगूँगा, प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कंपाइलर से पहले रन करता है, जो प्रोग्रामर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने प्रोग्राम को जो है कंपाइल करा के एज अ हेडर फाइल इंक्लूड करवा सकता है. यानी इसका क्या मतलब है कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मैं चाहती हूँ उस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी, मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया उसमें कौन है, तो वो प्रोग्राम दोबारा से लिखने के बजाय वो मेरे पास सेव पड़ा, मैं उसकी सिर्फ उसको एज अ हेडर फाइल बना के उसमें ऐड करवा दूँ. ये मेरा काम करता है प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर कंपाइलर से पहले काम करता है, कंपाइलर कंपाइल करता है सारी लाइब्रेरी, लेकिन प्री प्रोसेसर लिंक करता है लाइब्रेरीज को जहाँ जहाँ से उसकी सोर्स फाइल से ली गई है. अब प्री प्रोसेसर इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि वो प्रोग्रामर को इतनी हेल्प कर देता है कि वो अपनी फाइल्स को अपनी मर्ज़ी से इंक्लूड करा सकता है. इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स हम लाइब्रेरीज का आ जाता है, यानी हेडर फाइल्स, हमारी किसी भी प्रोग्राम की हेडर फाइल्स होती है. डायरेक्टिव्स के भी आगे हमारे पास तीन टाइप्स हैं, लाइक वन हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट फाइल. ये किस लिए होता है, ये यूजफुल सिस्टम हेडर फाइल लोकेटेड इन द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ 17 डायरेक्टरी. ये बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराने के लिए ये सिंटैक्स यूज़ होता हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और फाइल नेम, लाइक stdio.h, string.h, map.h, जितने भी आपके बिल्ट इन लाइब्रेरीज को कॉल करने के लिए ये सिंटेक्स यूज़ होता है, ये वाला. उसके बाद हमारा सेकेंड आता है हैश इंक्लूड फाइल कोटेशन मार्क डबल कोटेशन मार्क यूज फॉर हेडर फाइल्स ऑफ योर. अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है और मैंने उसकी कोई हेडर फाइल इंक्लूड करानी है तो मैं उसको हैश इंक्लूड और उस फाइल का नाम बताऊँगी, तो ये मेरी अपनी ओन प्रोग्राम होगी. थर्ड डायरेक्टिव आ जाती हैश डिफाइन नेम यूज टू डिफाइन अ मैक्रो. पहली बात मैक्रो क्या होता है, मैक्रो होते हैं शॉर्ट हैंड, यानी एक फार्मूला मैंने बनाया मैथ्स का, अब मैं उसको जगह जगह कॉल करनी है तो मैं फार्मूला दोबारा लिखने के बजाय उस फार्मूले को एक फंक्शन टाइप बना दूँ और उसको मैं कॉल करी जाऊँ, तो वो मेरा मैक्रो है. और डिफाइन नेम उस फंक्शन में, जैसे मैंने ऐड करवा रही हूँ तो मैंने उस फंक्शन का नाम ऐड रख दिया तो डिफाइन में उसका नेम आ गया, यानी डिफाइन का कीवर्ड आ गया है डिफाइन, उसके बाद नेम दिया और वो यूज़ करेगा डिफाइन. क्या एग्जांपल देखें, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है मैप डॉट एच. अगर मैं कोई फर्दर अपनी तरफ से कोई लाइब्रेरी क्रिएट करती हूँ हैश इंक्लूड माई हेल्पर फंक्शन डॉट एच, तो ये मेरी अपनी यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी होगी, ये बिल्ट इन नहीं होगी क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क बता रहा है, इसको मैंने डिफाइन किया है. अब उसमें क्या डिफाइन, और देखो डिफाइन हैश डिफाइन बफर साइज 1 0, यानी जहाँ जहाँ 1024 यूज़ हो रहा है ना उसकी जगह मैंने उसका नाम रख दिया बफर साइज. अब जहाँ जहाँ मेरे कोड में बफर साइज आता जाएगा मैं समझ जाऊँगी उसका साइज 1024 है. तो डिफाइन का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हेडर फाइल अगर हम बिल्ट इन को यूज़र डिफाइन के सिंटैक्स से कॉल करना शुरू कर देंगे तो वो एरर देगा, और अगर हम यूज़र को बिल्ट इन के थ्रू कॉल करेंगे सिंटेक्स के तो तब भी इशू देगा. तो इसमें मेन फोकस हमारा है कि डायरेक्टिव से सिंटेक्स याद करना है. अब मैंने एग्जांपल के तौर पे प्रोग्राम लिखा है, जो उस प्रोग्राम की बेसिक ये है कि वो उसमें दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन में मैंने सिर्फ लिख दिया कि वो वर्क करता है और एक में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो उसकी वो मैंने उस प्रोग्राम की हेडर फाइल बना के उसको आगे फर्दर मैंने प्रोसीड किया. लाइक मेरा मैंने कोड लिखा था, यानी ये मेरा कोड है, रजिस्टर में प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुकी हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, प्री प्रोसेसर के नाम से, तो मैंने उसके अंदर ये कोड लिख दिया. अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास हम लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहे हैं, एस टी डी आई और बिल्ट इन है,
हैश इंक्लूड डॉट एच बिल्ट इन है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल गया हैश इंक्लूड माई लाइब्रेरी डॉट एच ये बिल्ट इन नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड है, क्योंकि मैंने आपको उसका सिंटेक्स बता दिया, यानी ये कोई सी डिफरेंट लोकेशन को लिंक आ रही है। डिफाइन किया मैंने मैक्सिमम लेंथ 21, यानी 21.8 जहाँ भी आएगा उसको मैंने मैक्सिमम लेंथ कह दिया। उसके बाद मैंने कहा डिफाइन वर्क वीक, वर्क वीक का जहाँ 5 यूज़ होगा वो वर्क वीक होगा। अब मैंने उसमें क्या किया है, इंट वॉइड फंक्शन वन और रिटर्न दिस। अब मैंने एक प्रोग्राम बनाती हूँ मैं इसमें मैं इसको ऐड करती हूँ, इसमें राइट हैंड का क्लिक करके ऐड न्यू आइटम। पहले मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, उस प्रोग्राम को मैं दे देती हूँ माई लाइब्रेरी लाइब्रेरी डॉट सी नाम से। जी वो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, ये माई लाइब्रेरी डॉट सी, उसमें मेरे माई डॉक्यूमेंट मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मेरे एक फंक्शन है वॉइड डेटा टाइप है, फंक्शन वॉइड के बाद फंक्शन में फंक्शन वन नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन का सिंटेक्स आया ब्रैकेट और वाइड, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिखते कैसे हैं आपको आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में पता चल जाएगा, इसमें सिर्फ आपको प्री प्रोसेसर की वर्किंग का बताना है। इसमें फंक्शन में कॉल और पुट्स, मैंने स्कैन एफ यूज़ नहीं किया, मैंने प्रिंट एफ यूज़ नहीं किया, मैं पुट्स की वर्ड यूज़ करी, स्कैन एफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ इनपुट के लिए और प्रिंट एफ प्रिंट के लिए, स्कैन एफ की जगह मैं गेट यूज़ कर सकती हूँ और प्रिंट एफ की जगह मैं पुट यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं कहती हूँ पुट इट वर्क्स और वाई टू में पुट सेट नो। अब मेरा प्री प्रोसेसर में जो कॉल जा रही है वो फंक्शन वन को कॉल जा रही है, यानी इंट मेन फंक्शन वन कॉल जा रही है। अब मैंने क्या किया, और आप देखोगे कि मैंने माई लाइब्रेरी डॉट एच एक इंक्लूड बनाई, यानी मुझे एक हेडर फाइल भी बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे गए, अगर मैं ये बना चुकी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाते। सोर्स फाइल ऐड न्यू आइटम माई हेडर फाइल ली और माई लाइब्रेरी डॉट एच ही मैंने उसका नाम रखा, क्योंकि जो मैंने अपने मेन फंक्शन में कॉल किया है माई लाइब्रेरी ही उसको नेम दिया, तो माई लाइब्रेरी डॉट एच, तो ये एरर देगा क्योंकि मैं ये पहले से हेडर फाइल बना चुकी हूँ। आप ये देखिए मेरे पास पहले से बनी हुई है, ये रहा माई लाइब्रेरी डॉट ए। उसमें क्या है, माई लाइब्रेरी डॉट एच में मेरे उसमें मैंने देखे इफ़ एंड डिफाइन, यानी जहाँ जहाँ मेरी लाइब्रेरी डॉट एच कहीं डिफाइन हुई होगी, हैश डिफाइन माई लाइब्रेरी डॉट ए अंडर स्कोर एच, उसको नाम दे दे माई लाइब्रेरी अंडर स्कोर एच। अब उसमें क्या किया मैंने दो फंक्शन की डेटा टाइप्स बता दी, यानी मैंने बता दिया फंक्शन होगा फंक्शन वन के नाम से, दूसरा फंक्शन फंक्शन टू के नाम से, उसका सिंटेक्स फंक्शन वन का सिंटेक्स वाइट, फंक्शन टू का सिंटेक्स भी वाइट, यानी और उसको मैंने एंड कर दिया माई लाइब्रेरी डॉट एच, अगर जहाँ भी उसे मिलेगा वो उस लाइब्रेरी को एंड कराएगा। सिंपली मैं प्री प्रोसेसर के प्रोग्राम को रन करूँगी तो आप देखेंगे वो वर्क करेगा। एरर दे रहा है, वही प्रोग्राम है, बस मैंने उसको रीनेम दे दिया हेलो से, सेम वही है। अब मैं इसको रन करूँगी, जैसे कि ये कोड है वही सेम मैंने उसी तरह कोड लिख लिया, उसके बाद मैंने उसकी लाइब्रेरी डिफाइन कर दी और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी में जो कोड लिखा है वो कर दिया।
यानी एक मेरे पास नया प्रोग्राम है ये वाला, जिसमें मैं लिंक कर रही हूँ एक दूसरे प्रोग्राम को जो मेरा माई लाइब्रेरी लाइब्रेरी के नाम से है, जिसमें मेरे दो फंक्शंस डिफाइंड है। इसमें फंक्शन वन को कॉल जा रही है जो कि मेरा डिफाइंड है उस मेरे दूसरे प्रोग्राम में, यानी माई लाइब्रेरी डॉट सी में। और माई लाइब्रेरी डॉट सी में यानी जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ माई लाइब्रेरी डॉट एच है, माई लाइब्रेरी डॉट एच है। अब मैं इसको आपके सामने रन करूँगी तो ये वर्क करेगा। बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होकर रन होगा। इट्स वर्क यानी क्या मतलब है, मैंने फंक्शन वन को कॉल की। सपोज अगर मैं इधर फंक्शन टू को कॉल करती तो वो मुझे उधर दूसरे प्रोग्राम के फंक्शन टू की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता। दिस सिंपली यानी अब हमें पता चला कि अगर मैंने अपने किसी एक प्रोग्राम बनाया और मैं दूसरे प्रोग्राम में लिंक करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, मैं उसको कैसे कॉल करूँगी। तो ये मेरा प्री प्रोसेसर की वर्किंग थी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको फर्दर इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है।